बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द एकेडमी। दिस वाज हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.3 नाइन्थ मैथमेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 5 का सिक्स पार्ट अभी हम करने जा रहे हैं। सिक्स पार्ट जो है वो आपके पास है, टू टाइम ए प्लस बी इक्वस टू ए, और ब्रैकेट में वो पहले ए और बी दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर रहा है और बाद में वो इनका जो भी सलूशन आएगा उसको ए के साथ ऐड करेगा। अगर आप दोनों तरफ गौर करें तो इधर आपके पास ये टू टाइम ए है, ठीक है, और इधर बी ए टू टाइम है। फर्क सिर्फ इतना है कि इधर टू से मल्टीप्लाई करके ए को जो है वो टू से मल्टीप्लाई किया गया है, बाद में बी से ऐड किया गया, और इधर ए को टू टाइम ऐड किया गया। यानी कि आप, मैं एग्जाम्पल एक जैसे थ्री प्लस थ्री कर लें तो आंसर आता है सिक्स, और इधर आप टू मल्टीप्लाई बाय थ्री कर लें आंसर सिक्स आएगा। तो इसी तरह से कुछ प्रूफ है, हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। अब इसमें टेकिंग एलएचएस, एलएचएस आपके पास है टू टाइम ए प्लस बी, तो आप आ जाएं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। जी जी तो आपके पास ये देखें, ये टू एज इट इज, इस ए की जगह पे क्या कर दिया, उसका मैट्रिक्स जो है वो पुट कर दिया फ्रॉम द क्वेश्चन। उसी तरह नेक्स्ट प्लस है, ये आपके पास प्लस आ गया, उसके बाद बी मैट्रिक्स है तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दिया था। लो जी, नेक्स्ट आपने क्या किया, इस टू को मल्टीप्लाई किया, अंदर टू को वन से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ गया टू। टू को टू से मल्टीप्लाई, ये आ गया फोर, इस टू को फिर थ्री से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया सिक्स। इसी तरह इस टू को मल्टीप्लाई किया टू के साथ तो आपके पास आंसर आ गया फोर, टू को थ्री से मल्टीप्लाई किया सिक्स आ गया, टू को वन से मल्टीप्लाई किया आंसर इज टू, एंड अगेन इसको हमने थर्ड रो से भी कर दिया टू वन टू, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस टू आ गया, और इसी तरह से आपके पास टू को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज आ गया, और बी मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज आपके पास ही नीचे आ गया। तो नेक्स्ट इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो आपको याद है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़ा था, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, टू ऐड होगा इस वन के अंदर, ये फोर ऐड होगा माइनस वन के साथ, और ये सिक्स ऐड होगा आपके पास अगेन वन के साथ। सो टू प्लस वन इज थ्री, फोर माइनस वन इज थ्री, फोर माइनस वन ये आपके पास फोर था, माइनस वन करेंगे तो आंसर इज थ्री, तो ये यहाँ पे आपके पास आ गया थ्री। इस तरह सिक्स प्लस वन ये हो गया सेवन, फोर प्लस टू ये आपके पास आ गया सिक्स, सिक्स माइनस टू, सिक्स माइनस टू ये आपके पास आ गया फोर यहाँ पे, उसके बाद टू प्लस टू ये आ गया फोर, टू प्लस थ्री ये आ गया आपके पास फाइव, ये माइनस टू और प्लस वन आंसर विल बी माइनस वन, ये आपके पास माइनस वन आ गया। सो जीरो प्लस थ्री आंसर इज थ्री। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, नाउ वी टेकिंग राइट हैंड साइड। ये आपके पास आर एच एस आ गई ए प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी। सो उसी तरह से ये ए की वैल्यूज रिप्लेस कर दी, मैट्रिक्स ए ले लिया हमने फ्रॉम द क्वेश्चन। इसी तरह उसके बाद प्लस था, ये आपने ब्रैकेट लगा दी, उसके बाद ये आपके पास आ गया ए मैट्रिक्स अगेन, और वो प्लस हो रहा है बी मैट्रिक्स के साथ। याद है पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो पहले ब्रैकेट्स वाले जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ऐड करेंगे वन को वन के साथ, ये टू आ गया, टू माइनस वन आंसर इज वन। इसी तरह थ्री और वन ये आपके पास हो गया फोर, और इसी तरह से आपने इनको वन बाई वन ऐड करते जाना, तो ये मैट्रिक्स आपके पास हासिल हो गया। नेक्स्ट देखें तो आपके पास ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं, एक आपके पास मैट्रिक्स निकला है ए प्लस बी का सॉल्यूशन, उन दोनों को हमने ऐड किया तो आपके पास ये आ गया, और एक मैट्रिक्स आपके पास एज इट इज ए एज इट इज जो है वो नीचे आ गया। जी तो ये आपके पास ये दोनों मैट्रिसेस अगेन क्या होंगे, प्लस होंगे, और उसी तरह से क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर देना है और ये सिंप्लीफाई कर देना है। वन प्लस टू इज थ्री, टू प्लस वन इज थ्री, थ्री प्लस फोर इज सेवन, टू प्लस थ्री इज टू प्लस फोर इज सिक्स, थ्री प्लस वन इज फोर,
थ्री प्लस वन इज ऑल्सो फोर, वन प्लस फोर इज फाइव, माइनस वन जीरो, दैट इज माइनस वन, जीरो प्लस थ्री इज थ्री। सो आप ऑब्जर्व करें कि आपके पास ये जो टू टाइम ए प्लस बी था, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर, और अभी जो आपके पास ए प्लस ब्रैकेट में है ए प्लस बी, इसका आंसर दोनों सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। प्रूव करना था कि ये आपके पास जो रिजल्ट है वो दोनों आपस में इक्वल है। लो जी, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपने जो है वो उसको कंप्लीट कर लिया। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।